से लिया और ये गोबर जिनको रिफाइन करके लेना लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं ऐसे लेके। ओ भाई हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन रिएक्शन वीडियो। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं अंधभक्त पार्ट वन। तो वीडियो मैंने अभी तक देखा नहीं है, तो फिर चलते हैं वीडियो को देखते हैं और उसका लास्ट में हम लोग अपना रिएक्शन देंगे। लेट्स स्टार्ट। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। साले तेरे साले फ्री बिजली राशन लेके गलत भविष्यवाणी करता है। लाल कुर्सी ला, इसको पंखे में लटकाता हूँ साले को। तो आपने अभी तक अंधभक्तों के बारे में सुना भी होगा और देखा भी होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे बंदर भक्तों को दिखाऊंगा जिन्हें देखने के बाद आपकी बुद्धि खुद आपसे पूछने लगेगी ये क्या है। नरेंद्र मोदी ने जो विश्व में काम किया, नाम बनाया ना अपना देश का, वो आज तक किसी भी वड़ा प्रधान ने नहीं बनाया। नरेंद्र मोदी है ना तो इंडिया को वर्ल्ड में नंबर वन पे ले जाएगा और कोई किसी की भी ताकत नहीं है। क्या करते हैं आप? मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, बेकार हूँ। यार कभी कभी मुझे लगता है मोदी जी खुद अपने भक्तों को देखकर बोलते होंगे, मेरे भक्तों ने तो भाजपा की हालत चौपट कर दी है। तो अब मैं आपको मिलवाऊंगा एक ऐसे हरामजादे से जिसने मान लिया है मोदी जी भगवान के डायरेक्ट एजेंट है। योगी जी और मोदी जी भगवान के डायरेक्ट आदमी है, तो डायरेक्ट है। डायरेक्ट हमारे इंसान और भगवान के बीच में दो ही आदमी है। हम इंसान है, वो इंसान में नहीं आते, भगवान के बाद उनका नंबर आता है। दो टके का भक्त मोदी को भगवान बताता है। आपको क्यों लगता है कि भगवान है वो? वो तो दिख ही रहा है ना भाई, वो तो काम इन्होंने इतना ऐसा कर दिया है। कौन से अवतार है भगवान के? अवतार है कृष्ण वासुदेव यादव फ्रॉम गोकुल। अब तो विश्वास हो गया। अरे मैं उसी रूप में आया हूँ जो आप लोग हमेशा देखते हो टीवी पे, उसी रूप में आपके सामने खड़ा हूँ। जो मालिक है ना ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके भजे हुए हो दूत है, इनके दूत है योगी जी और मोदी जी। मेरी राय में तुम्हारी बीमारी दिमागी है। आजकल मैं अक्सर अजीब सा ख्वाब देखता हूँ जिसमें मोदी जी भगवान है, लेकिन वो देश की महंगाई संभाल नहीं पा रहे। जैसे ही देश की हालत बिगड़ती है वो कांग्रेस पे इल्जाम डाल देते हैं। ओह, सच कहूँ तो ये ख्वाब मेरा नहीं, मेरे दोस्त का है। मैंने आपसे झूठ बोला? किसी और का ख्वाब। कौन है ये अनभक्त? वो यूं मोदी को भगवान क्यों बताता है? वो क्या समझता है अपने आप को? यही तो परेशानी है उसकी। इन भक्तों को हर तरह से योगी मोदी भगवान लगते हैं, लेकिन जैसे ही तुम इनसे देश की खराब हालत या महंगाई पर सवाल करोगे तो ये अंधभक्त इंडिया के भगवानों की जगह विश्व के दूसरे भगवानों पे इल्जाम डालने लग जाते हैं। महंगाई बढ़ी है कि नहीं? महंगाई बढ़ी है तो विश्व में बढ़ी है ना, इंडिया में कहाँ बढ़ी है बताओ। अरे नहीं द्रौपदी, ये अंधों के पुत्र नहीं, ये तो गोबर पुत्र हैं। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। देखो एक आम आदमी, केजरीवाल नहीं गाइस, केजरीवाल नहीं, एक कॉमन मैन सुबह या शाम को चाय नाश्ता करता है, लेकिन जो ये अल्ट्रा प्रो भक्त होते हैं वो ये साधारण चाय नाश्ता नहीं करते, उनमें एक कला है, एक अलग ही अपना टेस्ट है। तो मेरे लिए तो बड़ा सिंपल है, ऐसे लिया और ये गोबर जिनको रिफाइन करके लेना लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं ऐसे लेके। ओ भाई कैसा। मेरी मम्मी जब भी काशी की व्रत रखती थी तो गाय के गोबर का सेवन करती थी। देखिए ये भी बड़ा निर्मल होता है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं, इसे खाना चाहिए हमें। कसर डॉक्टर साहब ने हमको बोला है गोबर खाने, गोबर बहुत अच्छी चीज है। अब हम तो गोबर ही खाएंगे, मजे करेंगे, बहुत अच्छी चीज। दावा है कि गोबर खाने से डॉक्टर साहब को पूरी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया। म्यूजिक तू आज भी गोबर भक्त है। तो आप कह रहे हैं मोदी योगी भगवान के दूत? बिल्कुल दूत है, जल्दी पूछो यार पेशाब। क्या कह रहे हैं? What do you mean? ये जो योगी यहाँ हैं, ये जो मोदी जी यहाँ हैं, ये क्या भगवान के ऑफिसर्स हैं? नहीं नहीं, ये लोग ऑफिसर्स नहीं है भाई, ऑफिसर तो पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये लोग तो देखो देखो मुंह देखो चाय वाले हैं। मिलोट चाय वाले भगवान के कलेक्शन एजेंट है, क्योंकि इन्होंने भगवान की फ्रेंचाइजी। न्यायाधीश महोदय, ये मनुष्य पाकिस्तानी है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है,
अच्छा ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। ठीक है। साले तेरे साले फिर बिजली राशन लेके गलत भविष्यवाणी करता है। ला कुर्सी ला, इसको पंखे में लटकाता हूँ साले को। तो गुजरात इलेक्शन में केजरीवाल सर की भविष्यवाणी कुछ इस तरह से इग्नोर हो गई जिस तरह से ईशान ने यासीर को इग्नोर कर दिया। अली ब्रदर्स, मोदी, मोदी बच्चन के रूप में ये चैनल पर आपने मेरा वीडियो बनाकर विरोध किया था। अच्छा 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 अच्छा, तो इसलिए आप यहाँ आए। आप खुद ही कहा करते थे कि अगर युवाओं को नौकरी की तलाश हो तो मुझे वोट दे दो, वोट मतदान कर दिया। कभी महंगाई कम कर दोगे तो कभी रोजगार दिलाओगे तो कभी कहते हो कि विरोध क्यों कर रहे हो। अरे कैसे ना करूं मैं आपका विरोध, अरे क्यों ना करूं मैं आपका विरोध। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, अपना ही प्लेन। पहली बात, आप मेरे पास आए क्यों? क्या चाहते हैं आप मुझसे? मैं क्या, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं जब से मैं प्रधानमंत्री बना हूं अनगिनत भक्तों को बनाया, वो सब मुझे चाहते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मेरी अनुभक्ति करते हैं। लेकिन तुम अकेले कैसे इंसान हो? इस देश में युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही तो मुझ पर इल्जाम लगाते हो। तो करेक्ट तो है, हमारे युवाओं के पास नौकरी नहीं है, आपकी वजह से नहीं है। आप अच्छे दिन लाते लाते देश में हिंदू मुस्लिम कर देते हो। मोदी जी एक बात बोलूं, बुरा मत मानिएगा प्लीज, इस देश में मैं तो क्या, आपसे कोई भी खुश नहीं है। कहते हैं कि आप वादे करके भूल गए हो। मेरे वादों को मैं भूल गया हूं? आप इस देश को एरोप्लेन से देखते हो, इस देश के बीच में आकर इस देश को देखो। अगर सबके दिल में एकता होती, रोजगार होता तो सब आप ही को वोट देते। मैंने जो किया इस देश के लिए वही अच्छा, इसी में देश की भलाई है। अरे लेकिन बेरोजगारी हिंदू मुसलमान से किसका भला हो सकता है? अब मुझे पता है आपके दिमाग में इस वक्त यही चल रहा होगा कि मैं किस पॉलिटिशियन को सपोर्ट करता हूँ, मोदी, राहुल या फिर केजरीवाल। मैं नहीं बताऊंगा। अरे बताओ ना। क्या बताऊंगा? बताओ ना, थोड़ा सा बताओ, थोड़ा सा। क्लू दूं? हाँ बताओ। क्लू दूंगा मैं, बताएंगे मेरे इंटेलिजेंस। फेवरेट पॉलिटिक्स, राजनीति से कौन है आपका पसंदीदा नेता? सिर्फ दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, आप कहेंगे तो तीन कर देंगे, लेकिन फिलहाल दो हैं, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी। तीसरा आप कहेंगे तो अरविंद केजरीवाल। एक का नाम लेना। तो बड़ा पहले एक नाम, उसके बाद जो भी कहना चाहे। आई थिंक सभी अपनी अपनी जगह पर। ये तो गलत है। नहीं समझोगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो डेफिनेटली वही। हाँ मैंने कहा था ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, अगर आप चाहते हैं मैं इस टाइप की। तो दोस्तों वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं, बात करते हैं वीडियो की। तो वीडियो बहुत ज़्यादा फनी टाइप की थी, और ये जो अंधभक्त टाइप के लोग होते हैं जो मतलब मोदी को, योगी को भगवान मानने लगते हैं और मतलब बोलते हैं ये मोदी जी, योगी जी नहीं होते तो भारत में इनका नाम नहीं होता, भारत को कोई जानता नहीं था, मतलब इस तरह के अनलॉजिक चीज़ें मतलब बताते हैं लोगों को। और इनमें एक नई प्रजाति पैदा हो गई गोबर खाने वाले की, जिसमें तादाद बढ़ रही है। और आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।